हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर तस्कीर और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल एप्स। हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स को यूज करके, डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी मोबाइल ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। जिस वक्त हम बात करते हैं मोबाइल ऐप प्रमोशन की थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, सो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है या हम कहें जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मोबाइल ऐप प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है हमारा ऐप इंस्टॉल्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि हमारी मोबाइल ऐप के ऐप इंस्टॉल्स इंक्रीज हो, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर यूजर्स हैं वो किस तरीके से हमारी इंगेजमेंट की मैट्रिसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, रिटेंशन किस तरीके से है, किस तरीके से अगर हमारी जो ऐप है वो कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप है तो किस तरीके से वो सब्सक्राइब करें या नहीं सब्सक्राइब करें, इन सारी चीजों को हम लोग बाद में मॉनिटर करते हैं, उसकी एनालिटिक्स बाद में देखते हैं और उसके बाद हम चेंजेस करना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो रिटेंशन की मैट्रिसेस हैं, जो इंगेजमेंट की मैट्रिसेस हैं, उनको हम इंप्रूव कर सके। तो ये बात की बात होती है शुरुआत में जब हम प्रमोशन की बात करते हैं या जिस वक्त हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेट कर रहे होते हैं, डिवाइस कर रहे होते हैं मोबाइल ऐप्स के लिए, उस वक्त हमारा मेन जो फोकस होता है इसी पे होता है कि हमारे जो है ऐप इंस्टॉल्स वो इंक्रीज हो या हम कहें जो हमारा यूजर बेस है वो इंक्रीज हो। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे कुछ स्ट्रेटजीज को जिनकी हेल्प से हम अपने ऐप इंस्टॉल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा ASO यानी कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। और बार बार ये कहता हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक बेस के ऊपर काम नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जनरली लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव को जल्दी अचीव करने के लिए पेड मार्केटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, बट कोशिश ये करें कि पेड मार्केटिंग की तरफ अगर आप इनिशियली शुरुआत से बढ़ रहे हैं ठीक है, बट आप अपनी फाउंडेशन जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ भी बनाकर रखें। ठीक है, आपको उसके लिए भी मेहनत करनी है कि जो आपका ऑर्गेनिक यूजर बेस है वो भी आपके पास रहे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है और वहां से आपको बाद में बहुत बेनिफिट मिलता है। रैंकिंग फैक्टर्स, अगर मैंने यहाँ पर कुछ रैंकिंग फैक्टर्स लिख रखे हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेटिंग्स हो गई, टैग्स हो गए, स्क्रीनशॉट्स हो गए, ये विजुअल जितने भी विजुअल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आपके प्ले स्टोर में उन सारी की बात कर रहा हूँ। ऐप डाउनलोड जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं सिग्नल जाता है एल्गोरिदम को, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। सो ये सारे हमारे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग फैक्टर्स हैं या कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। और जैसे कि जो बेसिक बात है कि कीवर्ड्स को आपको इन सभी के साथ यूज करना है, ध्यान रखना है, जो हमारा जनरल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जिसमें हम जिस तरीके से कीवर्ड्स को यूज करते हैं, जिन पॉलिसीज के अंदर कीवर्ड्स को यूज करते हैं, वही सारी चीजों को हमें यहाँ भी फॉलो करना है। कीवर्ड स्पैमिंग नहीं करनी है, डेंसिटी का ध्यान रखना है, इन सारी चीजों का, ठीक है। देन पेड ऐप इंस्टॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दो प्लेटफॉर्म्स को यहाँ मेंशन किया है। वन इज फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म, इसको भी यूज कर सकते हैं आप, यहां पर भी आपको डेडिकेटेड ऐप इंस्टॉल इंक्रीज करने के लिए कैंपेन मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो अगर आपका ऐप इंस्टॉल इंक्रीज करने का तो डेडिकेटेड कैंपेन आप यहां से बना सकते हैं। गूगल एड्स के ऊपर भी आपको ऐप इंस्टॉल एड्स का कैंपेन मिल जाता है, इसके ऊपर मैं बहुत पहले दो वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। एक तो ये कि किस तरीके से हम ऐप इंस्टॉल कैंपेन सेट करते हैं, बनाते हैं, और दूसरा मैंने फिर आपको बताया था किस तरीके से हम उसके एनालिटिक्स देखते हैं। तो यहां पर मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगा ऐप इंस्टॉल पेड मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, जिस वक्त पेड मार्केटिंग आप करते हैं ऐप इंस्टॉल्स इंक्रीज करने के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कई बार क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि आपके इंस्टॉल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, लेकिन उस इंस्टॉल्स के साथ साथ पैरेलली आपके अनइंस्टॉल्स भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। पता चला आज आपने 100 इंस्टॉल्स करे तो अनइंस्टॉल भी हो गए 50 या 60 या 70, 60 मान लेते हैं, ठीक है, 60 अनइंस्टॉल भी हो गए, तो इफेक्टिव जो इंस्टॉल्स हुए वो तो 40 ही हुए। पैसा, क्योंकि आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो तो कॉस्ट पर इंस्टॉल अगर आपके 10 रुपए हैं तो आपके तो यहाँ 1000 रुपए खर्च हो गए, ठीक है, कॉस्ट पर इंस्टॉल तो आपकी 10 रुपए के हिसाब से आई, 1000 रुपए खर्च हो गए, लेकिन इफेक्टिव इंस्टॉल्स कितने, केवल 40 ही है। तो 40 अगर ऐप इंस्टॉल्स होंगे तो फिर 1000 रुपए टोटल आपने खर्च किया, इफेक्टिव ऐप इंस्टॉल 40 ही हुए, ठीक है, हुए तो 100 बट क्योंकि 40 ही रिटेन हो पाए तो इफेक्टिव 40 ही हुए। तो यहां पर जो आपकी कॉस्ट पर इंस्टॉल है वो 25 रुपए हो जाएगी, जो काफी हाई है जो आप शुरुआत में दे रहे थे कॉस्ट पर इंस्टॉल। तो आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे जब भी आपके पेड कैंपेन चलेंगे ऐप इंस्टॉल के लिए, आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि जैसे जैसे मेरे इंस्टॉल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे मेरे अनइंस्टॉल्स भी हो रहे हैं, ठीक है, लोग अलग भी हो रहे हैं हमारी ऐप से। और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे
एड देख के किसी ने आपकी ऐप को इंस्टॉल कर लिया, बट वो जब उसके अंदर जाता है उसको वो फीचर्स नहीं मिली, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अनइंस्टॉल कर देगा उसको, आपकी ऐप से बाहर आ जाएगा वो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एड में जिस चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, जिन कॉल टू एक्शंस को आप यूज कर रहे हैं एड में, या एड कॉपी में जो भी आपने फीचर्स वगैरह एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं अपने ऐप के, वो सारी चीजें वहां ऐप में होनी चाहिए। कई बार मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सारी चीजें ऐसे कर देते हो, या वीडियोस या एनिमेटेड वीडियोस आप इस तरीके से बना देते हो, या फीचर्स आप कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हो जो आपकी ऐप से अलाइन नहीं होती, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि यूजर इंस्टॉल कर लेगा लेकिन तुरंत ही उसको अनइंस्टॉल भी कर लेगा, ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट पर इंस्टॉल है वो काफी हाई हो जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी कॉस्ट पर इंस्टॉल को भी आप ऑप्टिमाइज करते रह सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर ऐप इंस्टॉल के कैंपेन्स रन करेंगे, आप देखेंगे इस चीज को कि जिस तरीके से आपका जो कॉस्ट आ रही है वो धीरे धीरे जब आप और ज्यादा काम करेंगे कैंपेन्स के ऊपर, आप समझ जाएंगे कहाँ पर किस प्लेसमेंट के ऊपर हमारी ऐप अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, किन कीवर्ड्स के ऊपर किस एड कॉपी के साथ हमारी ऐप अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उन सबके बेसिस पर आप देखेंगे जब उनको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे ओवर द टाइम, तो आप डेफिनेटली जो आपकी कॉस्ट पर इंस्टॉल है उसको रिड्यूस कर लेंगे। सो इट्स नॉट अ मैटर। मेन चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पर आप शुरुआत में ऑफर करते हैं, ठीक है, जो आप अपनी एड कॉपी वगैरह में दिखाते हैं वही आपकी ऐप में होना चाहिए, अदरवाइज होगा क्या, इंस्टॉल्स भी पैरेलली उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। देन पब्लिश योर ऐप ऑन डिफरेंट ऐप रिव्यू साइट्स, बहुत सारी ऐप रिव्यू साइट्स है जहां पर आप अपनी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। देन ऑल्सो क्रिएट अ माइक्रो साइट लैंडिंग पेज ऑफ योर ऐप, डू द एसईओ एंड टारगेट वेब ऑडियंस। जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो केवल ऐप है, आपके पास केवल ऐप है, इन दैट केस ऑल्सो आपके पास एक लैंडिंग पेज या एक वेब पेज या एक वेबसाइट या माइक्रो वेबसाइट एक होनी चाहिए जो सेम हो आपके ऐप के, ठीक है। डेफिनेटली ऐप में फीचर्स ज्यादा होंगे क्योंकि वो आपका मेन प्रोडक्ट है, बट उसका एक रिफ्लेक्शन आपके पास वेबसाइट के फॉर्म में या लैंडिंग पेज के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि हम उसका भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सके, ताकि जो वेब ब्राउजर वाली ऑडियंस है उनको हम टैकल कर सके, उनको हम अपना वेब पेज लैंडिंग पेज दिखा सके और वहां से कुछ कन्वर्जन करवा सके, वहां से कुछ ऐप इंस्टॉल करवा सके। तो अगर आपके पास ऐप है तो उसी के साथ साथ आपके पास एक माइक्रो वेबसाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। देन क्रिएट प्रमोशनल वीडियोस, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अभी आपने देखा होगा जो हमारी अपनी ऐप है 360 डिजिटल ज्ञान, ठीक है, उसके लिए हमने वीडियो बनाया था, एक प्रमोशनल वीडियो था जहां पर हमने उसके बारे में बताया कि ऐप में फीचर्स क्या क्या हैं, हम आगे फर्दर उसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ऐप के यूआई वगैरह को हमने आपको वीडियो में दिखाया। तो उन सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं और फिर उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा वीडियो बनेगा उसको हम फर्दर आगे प्रमोट कर सकते हैं। देन इंटीग्रेट सम सोशल फीचर्स विद इन द ऐप टू, सो द रेगुलर यूजर्स विल प्रमोट दिस विद देयर नेटवर्क। इन केस जैसे आपकी जो ऐप है उसके अंदर कुछ सोशल फीचर्स भी होंगे, जैसे कि ऐप के किसी फीचर को दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना है, तो अगर वो वाले ऑप्शंस वहां पर होंगे तो क्या होगा कि यूजर अगर ऐप को यूज भी कर रहा है तो उसके बाद भी वो आपकी ऐप को शेयर कर सकता है, जिससे कि उस यूजर का जो अपना नेटवर्क है उसमें भी आपकी ऐप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगी। अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल ऑडियंस एंड वर्क विद एनालिटिक्स रिलेटेड टू पोटेंशियल ऑडियंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो आपने ऐप बनाई, आपको देखना है कि वो ऐप जो आपने बनाई वो किस टाइप के डेमोग्राफिक्स को सर्व करने के लिए बनाई, यानी किस टाइप के लोगों के लिए वो ऐप एक्चुअली है। उसके बाद आपको एनालाइज करना है एनालिटिक्स से कि जो हमारे पास ऐप के यूजर्स हैं, जो जिस भी तरीके का हमारे ऐप के ऊपर एंगेजमेंट आ रहा है, क्या वो जो हमने शुरुआत में डेमोग्राफिक डिफाइन की थी या जो आइडियल डेमोग्राफिक्स है जो होनी चाहिए हमारी ऐप के ऊपर, क्या वही लोग हमारी ऐप को यूज करें या नहीं यूज करें। ठीक, केवल आपके इंस्टॉल्स बढ़ जाने से आप जिस भी ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना चाहते हो वो अटेन नहीं होगा। ठीक है, शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में तो ठीक है आप अपने ऐप इंस्टॉल बढ़ाना चाहते हो, बहुत सारे ऐप इंस्टॉल बढ़ाने के तरीके हैं, एएसओ आप कर लेंगे, और तेजी से अगर आप बढ़ाने चाहते हो कुछ आप इन्वेस्टमेंट करके पीपीसी बेस्ड जो है कैंपेन चला के आप बहुत तेजी से अपने ऐप इंस्टॉल बढ़ा सकते हैं। बट जब शुरुआत में हम जब अपनी ऐप डिजाइन करते हैं तब हमारी ऐप के साथ एक डेमोग्राफिक्स भी पैरेलल डिजाइन हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बात करी अपनी 360 डिजिटल ज्ञान वाली ऐप की, जो हमारी 360 डिजिटल ज्ञान की ऐप है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डेमोग्राफिक्स बहुत क्लियर है। वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं किसी भी फेज पे हो, ठीक है, भले वो एक्सपर्ट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, बिगनर हैं किसी भी फेज में हो, और थोड़ा सा एज ग्रुप जो हम लोगों ने लिया वो एज ग्रुप हो सकता है 15 to 38, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। तो ये डेमोग्राफिक ऑल मेल्स फीमेल्स सबके लिए ऐप, तो ये जो है ये डेमोग्राफिक है जो आप की आइडियल ऑडियंस हो सकती है, आपकी ऐप की आइडियल ऑडियंस हो सकती है, आपके
ऐप के आइडियल यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए शुरुआत में, ताकि जैसे जैसे आप एनालिटिक्स में आगे बढ़ेंगे, आप कंपेयर किससे करेंगे, आप देखेंगे कि हमारी ऐप के ऊपर कौन कौन से यूजर्स हैं, तो उसको आप अपनी आइडियल ऑडियंस के साथ एक बार कंपेयर तो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पोटेंशियल ऑडियंस को, जो आइडियल ऑडियंस है उसको समझें, और जब आप एनालिटिक्स पे काम करेंगे तो आप देखें कि वो पोटेंशियल ऑडियंस से आप कितना दूर हैं या कितना पास है। पुश नोटिफिकेशन है पर्पस फॉर इनकरेजिंग डिफरेंट एक्शंस बाय यूजर्स। देखो ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद ज्यादा यूजफुल होती है, बट तब भी हमारे लिए बहुत काम आ सकती है ऐप मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अगर आपने पॉपअप दे रखे हैं अपने ऐप के अंदर फॉर रिव्यूज, ठीक है, तो जब रिव्यूज या रेटिंग्स आएंगी तो आपको यहां पर जो रैंकिंग फैक्टर में लिखा हुआ है रेटिंग्स एंड रिव्यूज, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे आपकी ऐप का जो भी एंगेजमेंट मैट्रिसेस हैं, जो भी एंगेजमेंट फीचर्स हैं, जैसे जैसे वो इंप्रूव होते रहेंगे, जैसे जैसे रेटिंग्स इंप्रूव होती रहेंगी, जैसे जैसे रिव्यूज इंप्रूव होते रहेंगे, पॉजिटिव रेटिंग्स पॉजिटिव रिव्यूज आते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। देन ये जो फीचर्स हैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जैसे पॉपअप वगैरह आप कर सकते हैं। देन रीच आउट टू इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स कैन बी डन बिफोर लॉन्चिंग ऐप टू। हाँ, यहाँ पर ये चीज है, बिफोर लॉन्चिंग का मतलब बिफोर एक्चुअली पुटिंग इट ऑन द ऐप स्टोर, आप जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के ब्लॉगर्स के टच में आ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान में रखना है कि इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स उसी निश से रिलेवेंट हो जो हमारी ऐप की निश है, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर हमारी जैसे मैं अपनी ऐप का एग्जाम्पल लूँ, 360 डिजिटल ज्ञान की हम लोग बात करें, सो इस ऐप के लिए हम दूसरे डिजिटल मार्केटर्स के साथ कोलेबरेशन कर सकते हैं, दूसरे डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलेबरेट कर सकते हैं, और उनके साथ कुछ ऐप का एक डेमो वीडियो वगैरह कर सकते हैं, या कुछ ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, तो उनके ब्लॉग के ऊपर हम अपने ऐप के फीचर से ऐप को दिखा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी ऐप मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर शुरुआत की बात करें, शुरुआत में जब आप इंस्टॉल पे फोकस करते हैं तब आपको ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, रिव्यू साइट्स, ठीक है, और जो पीपीसी बेस्ड एडवर्टाइजिंग है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आएगा किस तरीके से अपनी ऐप की मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।